अपनी जान बचाने के लिए छिप गए निरहुआ अखिलेश यादव की कार में। जी हाँ, आपने सही सुना। और चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा माजरा। बात उन दिनों की है जब अखिलेश यादव सीएम हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, और राज्यसभा के चुनाव नज़दीक थे। राज्यसभा चुनाव नज़दीक होने के कारण अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ रैलियां हुआ करती थी, कई जनसभाएं संबोधित किया करते थे। ऐसे ही एक जनसभा को संबोधित करने के लिए अखिलेश यादव गए थे और उनके साथ दिनेश लाल यादव निरहुआ भी उस मंच पर मौजूद थे। जैसे ही अखिलेश यादव ने अपना भाषण समाप्त किया, वो तुरंत अपने हेलीकॉप्टर से दूसरी जनसभा संबोधित करने चले गए और अपने इस जनसभा का पूरा कार्यभार वो दिनेश लाल यादव निरहुआ के हाथों छोड़ गए। और उस वक्त स्टेज पे दिनेश लाल यादव निरहुआ और समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। जैसे ही अखिलेश यादव ने अपना भाषण समाप्त कर अपना हेलीकॉप्टर पकड़ उड़ते बने, वैसे ही जनता को ये लगा कि अब ये प्रोग्राम खत्म हो गया है। लोग निरहुआ को सुने बगैर ही निरहुआ के स्टेज की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगे। ऐसे में निरहुआ और वहाँ खड़े सभी लोग घबरा गए। निरहुआ ने आव न देखा ताव, उन्होंने देखा कि सामने सीएम साहब की गाड़ी यानी कि अखिलेश यादव की गाड़ी खड़ी है, और वहाँ वो दौड़ कर गए और अपने आप को कार में लॉक कर लिया। अखिलेश यादव की कार में पूरी तरह से लॉक होने के बाद वो समझ चुके थे कि वो सुरक्षित है। और थोड़ी ही देर बाद अखिलेश यादव की कार को पूरी तरह से भीड़ ने घेर लिया। भीड़ इतनी ज़्यादा थी और निरहुआ को छूने की तलब हर एक में थी। हर कोई निरहुआ को छूना चाहता था, उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहता था, उनका ऑटोग्राफ चाहता था। इस चक्कर में कार के ऊपर चढ़ गए। कभी कोई कार को ठेलता और निरहुआ को बाहर आने के लिए कहता। तभी अखिलेश यादव के ड्राइवर ने निरहुआ से कहा, साहब आप बाहर चले जाइए, नहीं तो ये सब कार को तोड़ देंगे। निरहुआ ने जवाब दिया, ये कार इम्पोर्टेंट है या मैं? इतने में ड्राइवर शांत हो गया। थोड़ी ही देर बाद प्रशासन के कुछ लोग और पुलिस ने आकर भीड़ को वहां से हटाया और फिर अखिलेश यादव की कार में ही दिनेश लाल यादव निरहुआ को उनके होटल तक छोड़ा गया। ऐसे जाकर दिनेश लाल यादव निरहुआ की जान बच पाई, वो भी सीएम अखिलेश यादव के कारण। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।